हनुमान मंदिर जो चांदी चौक में तोड़ा गया, आपके सामने कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस समय चांदनी चौक में ब्यूटिफिकेशन का काम प्रारंभ हुआ था, उस समय कई वहां की ट्रेडर्स एसोसिएशन, लोकल RWS और प्रोमिनेंट लोगों ने उस काम का वहां विरोध किया था, क्योंकि उस काम से बहुत सारी दिक्कतें वहां आने वाली थी और दिल्ली सरकार ने ना तो लोकल RWS की सुनी, ना ही वहां के स्टेक होल्डर्स जो मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, उनकी सुनी और वो काम उन्होंने वहां जारी रखा। और दिल्ली सरकार हमेशा से ही हिंदू मंदिरों को लेकर बायस रही है। जिस तरह ये कार्रवाई हुई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार ने इसका ऑर्डर दिया था। वो कोर्ट में गए और जो जो घटनाक्रम उसमें सामने आया है, वो मैं फैक्ट के साथ आपको रखूंगा, क्योंकि उस समय कई जो मंदिर कमेटी के लोग थे, जो वहां के स्थानीय निवासी थे, मार्केट के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। आप इसको PWD दिल्ली सरकार का विभाग है, उनसे मुख्य ऑफिसर से कहा कि आप इसको अपनी ड्राइंग के अंदर 20 मीटर की बात है, इसको आप डाइवर्ट कर देंगे तो मंदिर प्राचीन मंदिर बना रहेगा। और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी हनुमान जी के भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें जनता के बीच में, हनुमान जी मंदिर दर्शन करने गए और उन्होंने अपने हनुमान भक्ति के बारे में बहुत सारी लोगों को बताया दिल्ली के लोग। इसलिए वहां जितने भी मंदिर से जुड़ी संस्थाएं थी और मंदिर के पुजारी, उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि दिल्ली सरकार कृपया हमारा ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ की धरोहर है, इसको आप बचाने का काम कीजिए, अपनी ड्राइंग के अंदर उसको आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करिए, जिससे मंदिर बचा रहे, प्राचीन मंदिर बचा रहे। बहुत सारी प्रार्थना पत्रों के बावजूद भी उनको निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया और दिल्ली सरकार का PWD डिपार्टमेंट ये कहते हुए कोर्ट चला गया कि MCD लोकल पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो कोर्ट में जाके चले गए, जबकि कानूनी रूप से और वैधानिक रूप से मुद्दा, जब कोई धार्मिक स्थल की बात होती है तो वो मुद्दा प्रदेश सरकार में जो रिलीजियस कमेटी होती है उसके पास होता है और उस रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं। और रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर कोई भी सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। जिस समय ये मुद्दा लगभग mid-19 में PWD ने हाई कोर्ट के ये कहते हुए कि MCD की जगह है और MCD कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी आप हनुमान जी की भक्ति प्रदर्शित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं हनुमान जी का बड़ा भगत हूं, अगर दिल्ली सरकार चाहती, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते तो वो ये मामला भी रिलीजियस कमेटी में समाधान इसका निकाल सकते थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जिस समय 23 जुलाई 2020 को केजरीवाल साहब खुद चांदनी चौक में इस पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे वहां के निगम पार्षद और हमारे वहां के नेता जो स्पोक्स पर्सन है प्रवीण शंकर कपूर, दोनों लोगों ने
रवि कप्तान प्रवीण शंकर कपूर ने उनको एक मेमोरेंडम दिया और उसमें मंदिर कमेटी के लोगों के भी सिग्नेचर थे कि आप प्लीज केजरीवाल साहब इस मंदिर को बचाइए, आपका जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें आप इसको समायोजित कीजिए कि मंदिर, ये प्राचीन मंदिर, ये धरोहर है, ये बचा रहे। लेकिन आपके सामने सब है कि आज इतनी ज्यादा सब लोगों ने कहा लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार और केजरीवाल साहब टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अंत में इतनी सारी होने के बाद अगर इतनी सब होता तो वो रिलीजियस कमेटी में दे सकते थे, जो कि सत्येंद्र जैन जी जिसको हेड करते हैं उन्होंने इस मुद्दे को सुनने से भी इनकार कर दिया। और 21 नवंबर को जब जिस समय वहां के लोग हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने साफ ये कहा है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं, अगर ये मुद्दा, हमने कोई भी रिलीजियस मामला होता है, धार्मिक स्थल का मामला होता है, तो कोर्ट ने तय कर रखा है कि सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है अगर वो एप्लीकेशन देती है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। और इसके बाद 22 इससे पहले 22 अक्टूबर को भी केंद्र प्रदेश सरकार ने ऑर्डर किया कि एनसीडी चूंकि ऑयल इसकी लैंड ऑयल एजेंसी है और ये मुद्दा इसलिए वो कोर्ट गए थे। मैं ये समझता हूं कि इसमें पूरी दिल्ली सरकार की लापरवाही है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने साजिशन डेवलपमेंट के नाम पर हिंदू मंदिर तोड़ा गया है और ये पूरी तरह मुद्दा आपके सामने है, फैक्ट आपके सामने है। अगर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी चाहते तो वो रिलीजियस कमेटी से इस मुद्दे को हल कर सकते थे और ये प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बचाया जा सकता था। ये जो हिंदू विरोधी केजरीवाल जी की मानसिकता है, ये इस बात, इस उनके इस कदम से ये दर्शाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू मंदिर विरोधी हैं। और दूसरी बात है, जिस तरह से वो आज ये आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं, ये मैंने आपको चरणबद्ध तरीके से सब बातें बताई हैं कि इसमें दिल्ली सरकार की नाकामी है, दिल्ली सरकार अगर इस पर कदम उठाती तो आज ये मंदिर बचा रहता। अब मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने अभी भी डेवलपमेंट प्लान को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करके वहां पर मंदिर को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए और इस मुद्दे को अब दोबारा से सत्येंद्र जैन जो रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है, दिल्ली सरकार की कमेटी है, उसमें से दोबारा इस मुद्दे को रिव्यू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है और इस प्राचीन मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।